हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर क्लास फर्स्ट ऑफ इंग्लिश। टेक आउट योर बुक, ओपन चैप्टर नंबर 5 एंड इट्स पोएम। चैप्टर नंबर 5 के बाद आपकी पोएम है बुक में। यस, ऑल द बेल्स वर रिंगिंग, पोएम का नेम है ऑल द बेल्स वर रिंगिंग, कि जितनी भी बेल्स हैं वो रिंगिंग यानी बज रही हैं, उनकी साउंड हो रही है, रिंग करने का साउंड हो रहा था। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम। दिस पोएम इज रिटन बाय क्रिस्टिना रॉजेस्टी। इस पोएम को लिखा है क्रिस्टिना रॉजेस्टी ने। ओके, नाउ वी आर रीडिंग। ऑल द बेल्स वर रिंगिंग, जितनी भी बेल्स हैं वो रिंग कर रही थी। ऑल द बर्ड्स वर सिंगिंग, जितने भी बर्ड्स हैं सारे बर्ड्स गाना गा रहे थे। व्हेन मॉली सैट डाउन क्राइंग, जब क्या मोली बैठकर रो रही थी। अब मोली क्यों रो रही थी? फॉर हर ब्रोकन डॉल, अपनी टूटी हुई डॉल के लिए। उसकी जो डॉल थी, जो उसकी सबसे फेवरेट थी, वो डॉल टूट गई थी और वो उसके लिए रो रही थी। जबकि तब हो क्या रहा था, जितनी भी बेल्स है वो रिंग कर रही थी और बर्ड्स जो है वो गाना गा रहे थे, लेकिन मोली तो रो रही थी। ओ यू सिली मोली, तुम कितनी सिली हो मोली, सॉबिंग एंड साइंग। और वो जो मोली है बहुत रो रही थी। कैसे रो रही थी? सिसक सिसक के रो रही थी। आपने कभी छोटे बच्चों को रोते हुए देखा है? जब आपने देखा होगा वो रोते हैं तो सिसकियाँ भरते हैं, कभी रोने लगते हैं, फिर अपने आप चुप हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर में फिर से रोने लगते हैं, क्योंकि उनको बहुत बुरा लगता है। जैसे मोली है, उसको भी बहुत बुरा लग रहा है कि उसकी डॉल टूट गई है। When all the bells are ringing, all the birds are singing, जब जितनी भी bells हैं वो बज रही हैं, ring कर रही हैं, जितनी भी birds हैं वो गाना गा रहे हैं, तब मोली बैठ के रो रही है अपनी टूटी हुई डॉल के लिए। This poem is written by Christina Rogersty. Yes, now we will do exercise of this poem. पिक आउट द नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। इस पोएम में जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो आपको यहाँ राइट करने हैं। नेमिंग वर्ड्स इट मीन नाउन, मोली, डॉल, बर्ड्स, बेल। यस, आफ्टर दैट यू विल सी दिस थिंग्स, आप इन थिंग्स को देखोगे और इससे रिलेटेड जो वर्ब है, मतलब आप क्या करते हो इनके थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू आप क्या करते हो। बेल को जैसे बेल रिंग करती है ना, तो वी हैव टू राइट योर रिंग। काइट, काइट से काइट फ्लाई। और बुक रीड, एप्पल ईट। नोटबुक राइट। चेयर सिट। टेडी बियर प्ले। एरोप्लेन ट्रेवल। फ्रॉक वियर। ओके, यस, वी हैव डन दिस एक्सरसाइज। नाउ देयर इज फन टॉक। व्हाई आर यू क्राइंग? I have lost my ribbon, क्योंकि मुझे मेरी जो ribbon है वो खो गई है। Here is the ribbon, ये रही आपकी ribbon, okay? इन तीनों ने ढूंढ ली, देखो। Yes, listening skill. Now you have to draw face. आपको two type के faces को draw करना है। एक तो smiling, laughing face और एक crying face. Smiling, cry, laughing face में क्या करना है आपको? Yes, ये structure ऐसे बनानी है, mouth की structure. जबकि आप जब क्राइंग फेस बनाएंगे तो उसको जस्ट अपोजिट कर लेंगे ऐसे, है ना। और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, क्राइंग फेस में रोते हैं तो टीयर्स निकलते हैं ना। यस, तो ऐसे टीयर्स बनाने हैं आपको राउंड राउंड। ओके, ये आपको ऐसे ड्रॉ करना है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन दिस पोएम एंड इट्स एक्सरसाइज। इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, देन यू कैन कैच हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। हैव अ नाइस डे, बाय।